तो बस ये एक छोटा सा कार्ड है, लेकिन है बड़ा कीमती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छोटा सा कार्ड अब तक दुनिया भर में लाखों लोगों के चेहरों पर बेशकीमती मुस्कान ला चुका है। ये कार्ड नेकी का कार्ड है। ये हमको याद दिलाता है कि किसी ने अगर हमारे साथ कुछ अच्छा किया है तो उसी अच्छाई को हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छाई और नेकी की इस चेन को शुरू किया है मुंबई के ऋषभ तुरखिया ने, और अब तक लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में इनके बनाए हुए ये कार्ड्स फैल चुके हैं। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी त्रिचा में। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। अरे नहीं, 2009 से ऋषभ आप एक बहुत ही यूनिक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है योर टर्न नाउ। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप हमें समझाएं योर टर्न नाउ क्या है, किस बात की बारी आ रही है अब। बहुत ही सिंपल चीज है, योर टर्न नाउ एक कार्ड है जहाँ पे लिखा है योर टर्न नाउ, हिंदी में लिखा है अब आपकी बारी। तो ये कार्ड ऐसा है कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आप उसको ये कार्ड देते हो, कहते हो कि अब आपकी बारी, आप किसी और को हेल्प कीजिए, इट्स योर टर्न नाउ टू हेल्प समवन। तो जब मैंने 2009 में चालू किया था तो ये इंटेंशन था कि हम लोग को ये कार्ड देना है जब भी हम मदद करें, क्योंकि क्या होता ना कि हम जब मदद करते तो हम तो याद रखते, शायद सामने वाला शायद भूल जाता है कि किसी ने मदद की थी। हाँ जी, तो ये उसके याद के लिए कि मुझे चांस मिले तो मैं भी क्यों ना कर लूँ किसी की हेल्प। क्या बात है, तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? सो ये शुरुआत ऐसी हुई थी, क्या होता ना, आई मीन जो भी लाइफ में कुछ हम लोग करते हैं उसके पीछे पूरा लाइफ का जिग्सॉ पजल होता है हर एक चीज़ लाइफ में। मतलब जैसे बचपन में मैंने सिर्फ मॉरल स्टोरीज वाली कहानियाँ सुनी थी, मेरी दादी के पास से सिर्फ अच्छे कर्मों करने की कहानी सुनी थी, और हम लोग बड़े हुए वो सब उस टाइम पे अभी जो बच्चे बुक्स पढ़ते वैसे नहीं थी, पर मॉरल स्टोरीज है, अमर चित्रकथा है, और अपना पंचतंत्र था, तो जहाँ पे सब अच्छी अच्छी कहानी सुनती। और एंड देयर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ माई, मेरे ग्रैंडफादर के बहुत इन्फ्लुएंस, मेरे दादाजी का। अच्छा। ही वाज अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत दानवीर करते थे वो, हमारे कम्युनिटी में काफ़ी जगह पे पानी का मटका लगाते थे। अच्छा। बहुत, हाँ, और बहुत जगह पे उन्होंने फ्री में भोजनालय चालू की थी। तो वैसे बहुत से, तो एक उनकी कहानियाँ हम लोग ने बचपन से सुनी कि वे सब अच्छे काम कर रहे हैं, दादी से इतनी सारी कहानियाँ सुनी, फिर बाद मेरी मम्मी से भी, तो ये बचपन का एक पार्ट था। फिर बाद में कुछ ऐसा टाइम आ गया जब हम लोग खुद अपना कुछ सोचने लगते। कॉलेज के बाद मेरा डायरेक्शन वेंट टूअर्ड स्पिरिचुअल साइड, कि भगवान से भी ऊपर अगर कुछ है, अगर हमको इवॉल्व होना है तो स्पिरिचुअली हम कैसे इवॉल्व हो। तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये था कि अभी हर एक धर्म देखा तो हर एक धर्म में एक चीज़ लिखा है कि किसी की मदद करो, मेक समवन स्माइल, किसी की हेल्प करो, किसी का अच्छा ही करो, ये हर एक धर्म में लिखा है। तो भी लगा कि करना तो सबको है, अच्छे कर्म सबको करने हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग किसी और को प्रोत्साहन भी करें उसके लिए। तब जाके ये स्ट्राइक हुआ कि अगर किसी को कुछ देते हैं एज ए रिमाइंडर तो शायद वो यूज़ करे। जब मैंने पहली बार चालू किया था तो मैंने सिर्फ 2000 कार्ड छापे थे, सोचा था कि पूरे साल में 2000 अच्छे काम करूंगा। एंड 2000 अच्छे काम, हाँ, मैथ्स में एक दिन में कितने अच्छे काम? एक दिन में कम से कम 4-5 काम। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि हो जाएगा, पर आप मानोगे नहीं, पहले ही साल में मुझे 25,000 कार्ड छापने पड़े थे। आपने इतने अच्छे काम कर दिए? नहीं, फिर क्या, लोगों ने और लोगों जुड़ने लगे, सब जगह जाके मैं इस चीज के लिए टॉक देना चालू किया, इस चीज के बारे में लोगों को समझाना चाहिए। मैं मतलब कभी कभी लगता था कि लोगों को अच्छाई करने के लिए समझाना क्यों है। मेरा बिलीफ है कि हम सब में अच्छाई है, हम सब अच्छे है, पर क्या होता है ना, जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने से वो भूल जाते हम लोग, वो कभी कभी पढ़ाई के पीछे, कभी पैसे कमाने के लिए। अब छोटे होते तब स्कूल में सिखाते हैं कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको रोड क्रॉस कराओ, ओल्ड लेडी है तो उसका सामान उठाओ, ये सब स्कूल में कम्युनिटी वाले कोर्सेज में सब लोग सीखते हैं, पर प्रैक्टिकली आगे जाके भूल जाते हैं हम लोग। तो ये एक रिमाइंडर की तरह है, मैं तो इसको बोलता हूँ ATM कार्ड है ये। मतलब ये एनी टाइम आप कभी भी कहाँ भी काइंडनेस कर सकते हो, काइंडनेस करो, नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ बड़ा करना है, जरूरी नहीं कि पैसे देने किसी को। हाँ, मतलब ऐसे नहीं करोड़ों का डोनेशन देना है कि और वो आपको करना है, आपकी 2 मिनट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मुंबई में इफ़ यू नो लोकल ट्रेन में जो ट्रैवल करते हैं, इतनी गर्दी होती, मारा मारी होती, ऊपर चढ़ने के लिए मारा होती, तभी कोई गिर जाता है तो लोग उसको कुछ चल के भी ऊपर चढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन, ये रोज़ दिखेगा आपको स्टेशन पे। पर उस टाइम पे अगर आप उतर जाते हो, वो ट्रेन मिस करके वो आदमी को साइड पे बिठा के पानी पिलाते हो उसको, क्या बात है, और 2 मिनट के बाद की ट्रेन पकड़ते हो, ठीक है आप 5 मिनट लेट हो पहुँचोगे ऑफिस, पर वो उस आदमी के लिए उस दिन के लिए वो सबसे बड़ा चीज़ है। क्या बात है। आपको पहला कार्ड आपने कब और
क्या अच्छी डीड की थी और किसको दिया था, सब याद है पहला कार्ड? बहुत बहुत, मुझे हर एक स्टोरीज याद है किसने कौन सी स्टोरीज भेजी है, वो मुझे याद है किसी ने भेजा था, कब भेजा था, ऑलमोस्ट सब याद रहता है मुझे, क्योंकि अच्छे काम को याद करना और क्योंकि उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो सबसे पहले कार्ड मुझे याद है, तभी मैं लोगों को सिखाता था कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए खुशी खुशी। तो ये रात को कार्ड छाप के आया था, नेक्स्ट डे सुबह मेरा उनके साथ सेशन था। अच्छा। और ये पहली बार हो रहा था? पहली बार। और तभी मैंने टॉपिक चालू किया कि जिंदगी खुशी खुशी जीने के लिए खुशी देनी बहुत ज़रूरी है। उस बैच को मैंने, उस कुछ 8-9 लोग थे वहाँ पे, उन सबको मैंने तभी कार्ड दिया कि मैं तो देखो, अब वो मैं ऑनररी करता था, उनसे पैसा नहीं लेता था, सिर्फ उनको ये कि जिंदगी कैसे अच्छे से निकाल सको और कैसे बैलेंस करके निकाल सको, खाली काम नहीं करो, खाली फैमिली मत करो, खाली पढ़ाई मत करो, कैसे बैलेंस करो। तो वो जो 8 जन थे उनको मैंने सबसे पहले कार्ड दिया कि मैं जो को इतने टाइम से आपको सिखा रहा हूँ, तभी आई थिंक मेरे उनके साथ ऑलरेडी 1.5-2 महीना हो चुका था। अच्छा। कि अगर मैं सिखा रहा हूँ और मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि मेरे को जताने के मैं पैसे नहीं, पर अगर ज़िंदगी को खुशी खुशी सिखाएं तो खुशी देना सीखो और उसमें जो खुशी मिलेगी ना और कहीं नहीं मिलेगी, सबसे बेस्ट चीज़ है। और आपने उनको वो कार्ड बांटे? तभी वो फर्स्ट कार्ड बांटा सर। और मानोगे नहीं, उस दिन शाम को मैं किसी और दूसरे ग्रुप को मिला, ऐसी कैजुअल डिनर के लिए मिले थे, और वहाँ पे भी मैंने सब लोग को ये बात की कि मैं ये चालू कर रहा हूँ, और आप मानोगे नहीं, उसमें से एक जन ने, पता नहीं उसका और मेरे सुबह वाले बैच में क्या कनेक्शन था, बोलते ये बात तो किसी ने मुझे सुबह सुबह बताया। मैंने सुबह सुबह कैसे बताया, मैंने अभी तक इसको पता नहीं, बोलते नहीं आपने इसको बताया इसने मुझे बताया, एंड इट वॉज सो लाइक ओ माई गॉड, ये अभी ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा है, शुरू हो गया। तो ये काइंडनेस की एक चेन आपने शुरू करने की कोशिश की है 2009 में, तो yes. अभी 14 साल हो गए, 14 साल कहाँ तक पहुँची, कितनी बड़ी है ये काइंडनेस की चेन? लाइक जैसे मैंने बताया, पहले साल में 25,000 कार्ड चले गए, और अभी 14 साल तक मोर देन मिलियन कार्ड्स, 10 लाख से ऊपर ज़्यादा कार्ड 49 कंट्रीज में घूम रहे हैं। सो ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, स्पेनिश, मैंडरिन, अरेबिक, रशियन, इटालियन, ऐसे इंटरनेशनल 10 लैंग्वेजेस में मैंने छाप के रखा है, क्योंकि जो कंट्री बुलाती है लोकल कंट्री, उस कंट्री में एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ लोकल लैंग्वेज भी। जैसे यूएस में जाएगा तो एक तरफ इंग्लिश और स्पेनिश भेजता हूँ, यूरोप जाता तो डिपेंडिंग कौन से कंट्री से बोलो तो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, वो हिसाब से भेजता हूँ। मिडिल ईस्ट में जाता तो एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ अरेबिक भेजता हूँ, ताकि वहाँ के लोगों को भी ईजी लगे। और आप शायद लोगों से ये भी कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, ऐसे तो किस किस तरह की कहानियाँ आपके पास आती हैं? ओह माय गॉड, तो इसमें कैसा है ना कि जब भी मैं जाता हूँ टॉक के लिए भी और जब मैं कार्ड देता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे कहानियाँ भेजें, तो मुझे पता चले ना कार्ड घूम रहे हैं, काम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ने 3-4 साल के बाद कहानियाँ भेजी, पर ये जो स्टोरीज जो होती है कभी कभी, अभी एक 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 है जो अभी क्या था, जब यहाँ से मुंबई से नवी मुंबई जाने के आपको टोल लगता है, अभी फास्टैग आया, पहले नहीं था फास्टैग, तो यू हैव टू पे 40 रुपीज़ एवरी टाइम यू पास मुंबई टू। तो एक बंदा था, वो उसकी सेक्रेटरी हमेशा फ़ोन करती थी और हमेशा 100-100 कार्ड मंगाती थी। एक बार मुझे लगा, हर 2-3 महीने फ़ोन करी 100 कार्ड मंगाई, एक बार मुझे लगा भाई 100 कार्ड करते क्या हो, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिले क्या करते। बोलते सर एवरीडे ट्रैवल करते मुंबई नवी मुंबई, तो हर रोज़ वो पीछे वाले गाड़ी के लिए टोल पे करते और वो कार्ड टोल वाले को बोलते कार्ड उसे। अरे वाह, क्या बात। एवरी, अभी तो फास्टैग आ गया भी नहीं पॉसिबल, बट उस टाइम पे एवरी डे वो आदमी 40 रुपीज़ अपना पे करता है और 40 रुपीज़ पीछे वाले का। एंड दैट्स हाउ यू नो के पीछे मर्सिडीज वाला भी हो सकता है, पीछे कोई छोटी गाड़ी वाला भी हो सकता है, पर तो मे बी वो अभी उसने 40 रुपये पे किया हो, बड़ी गाड़ी वाला हो तो शायद वो कुछ 4,000 का काम कर ले और किसी को कार्ड पास कर दे। मतलब इसकी कहानियाँ इतनी अलग अलग कंट्रीज से आती है, अलग अलग, कभी अभी बीच में एक कंट्री से आई थी, मुझे कंट्री का नाम था लैटविया, तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे एक्चुअली गूगल करना पड़ा कि लैटविया कहाँ पर है, छोटा सा देश। तो मैंने उसको पूछा, जर्मन लड़की थी वहाँ पे, तो उसको पूछा मैंने कहाँ से कार्ड मिला। मैं जनरली सबसे बात करता हूँ, जो भी कार्ड मंगाता है मैं सबसे पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, हर एक जन से बात करता हूँ, आइदर ईमेल से हो या फ़ोन से हो, मैं हर एक जन से बात करता हूँ जानने के लिए कि वो क्यों मंगा रहे हो, क्या चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए वो सब लोग इंस्पिरेशन है। सही बात है। तो जब उससे बात किया तो उसने बोला कि मुझे ये औरत ने दिया था, तो मेरे पास पूरा लिस्ट था, तो ये औरत तो कैनेडा में रहती है, बोलते नहीं वो टूर के लिए आई थी यहाँ पे, एंड शी, मेरे पास कुछ ठंड पड़ गई और मेरे पास एक जैकेट कम पड़ा था, मैं ठंड में थी, वो कनाडा वाली लेडी ने मुझे ये दिया और मुझे ये कार्ड दिया। एंड यू वोंट बिलीव, उसने कार्ड मंगा के उसने फिर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, मेरे पास यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं, तो उसने पीछे अपने लैंग्वेज में प्रिंट कर, मतलब कागज लगा दिया पीछे और मुझे फोटो भेजा, देखो मैं एक तरफ आपका रही हूँ, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं अपने लैंग्वेज में यहाँ पे ये सेम चीज़ कर रही हूँ, ये बात रही, बाकी सब सेम, खाली उसने ट्रांसलेट कर दिया अपने लैंग्वेज में, और वहाँ पे लैटविया में बात।
देखिए, हम सबको लगता है कि दुनिया में बहुत बुराई हो गई है, सब बहुत सेल्फिश हो गए हैं, मतलबी हो गई है दुनिया, इस तरह की बातें हम लोग अक्सर करते हैं। लेकिन ये छोटा सा कार्ड शायद आपको ऋषभ और बहुत सारे लोगों को ये बार बार याद दिलाता होगा कि दुनिया में अच्छाई जिंदा है, अच्छे लोग हैं हमारे आसपास। अगर आप कह रहे हैं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख कार्ड्स आप अभी तक बांट चुके हैं लोगों को, हाउ अमेजिंग इज दैट। तो कैसे लोग मंगाते हैं आपसे? ईमेल पर? हाँ, तो इसमें फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है। तो जैसे आपको किसी ने हेल्प किया, आपको एक कार्ड दिया, अभी आप इंस्पायर हो गए तो मुझे और कार्ड चाहिए, तो आप ये नंबर फ़ोन नंबर करते हो, फ़ोन मैं ही उठाता हूँ। और या फ्री में भेजते हैं सबको? टोटल फ्री। मैं तो बोलता हूँ, मैं कभी कार्ड का वैल्यूएशन किया तो मतलब एक कार्ड का वैल्यू $1 मिलियन है। क्यों? क्योंकि जब आप देते हो किसी को, उसके मुंह पे $1 मिलियन की स्माइल होती है। हाँ, और एक $1 मिलियन की स्माइल आपके दिल में होती है। तो ऐसे तो $2 मिलियन का कार्ड है, पर मैं देता हूँ फ्री में। क्यों? क्योंकि वो $2 मिलियन जमा करना है मुझे। और कितने मतलब मेरा टारगेट है, जब चालू किया था टारगेट वाज 7.2 बिलियन पीपल, अभी जो 8 बिलियन हो गए, दैट्स वर्ल्ड पॉपुलेशन। इतने लोगों को मेरे लाइफ टाइम में अगर मैं स्माइल करा सकता हूँ, देन वाई नॉट, वाई शुड आई लिव दैट थिंग एंड पॉसिबल। इतने लोगों को 10 लाख तो कार्ड है, और उसके अलावा भी और कितने अच्छे अच्छे काम होते रहते, जहाँ पे भी गिनती भी बनने छोड़ दिए। वह कार्ड की पर रहती है, क्योंकि मुझे पता है वो प्रिंटर का बिल आता है तो भाई ऐसा है, इतने कार्ड चले गए। ऋषभ की बातें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सवाल इनसे क्या पूछूं। मुझे लग रहा है ये बोलते रहें और हम सुन लेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी बातें आज के ज़माने में सुनने को मिले, यही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। आप हर दिन आज भी क्या ये कार्ड्स पास ऑन करने वाली अच्छी डीड्स कर पाते हैं, टाइम मिलता है आपको? सो मेरा सिंस 14 ईयर्स अपने आप से एक वादा है कि दिन में एक जन को स्माइल कराना है मुझे, एंड विच इज़ आई एम फॉलोइंग टिल द डेट। और आज की तारीख में भी दिन में एक जन, कोई भी हो सकता है, रास्ते में कोई स्ट्रेंजर भी हो, उसके साथ भी कोई जोक कर लिया, या ऐसे ही उसके साथ कोई मजाक कर लिया, ऐसे ही उसको स्माइल करा दिया, लिफ्ट मैन हो उसके साथ बात कर लिया, स्ट्रेंजर उसके साथ बात किया, अगर ट्रैफिक है आगे वाली गाड़ी को जाने दिया आपने, रुक गए और किसी को क्रॉस करने दिया, उसके मुँह पे वो स्माइल आएगी। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम मैं कार्ड यूज़ करूँ, पर वो स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं तो बोलता हूँ ना, अगर 20-30 साल के बाद ये कार्ड बंद भी हो जाना तो चले, पर तब तक ये सबके DNA में आ जाना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है और चांस मिलना। और ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिलता, आपको हर एक मौके पे चांस मिल सकता है कि आप कहाँ कहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं। Exactly. आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैं कॉलेज में लेक्चर दिया था इसके बारे में, एंड देन उसके 2 महीने के बाद मैं स्टेशन पे खड़ा था, तो वही कॉलेज का लड़का मुझे आके मिला कि सर आप ये कार तो दिए, पर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, घर पर रात सिर्फ खोने सोने के लिए जाते हैं, खाना भी हम लोग को हॉस्टल में मतलब कॉलेज में हो जाता है, हम लोग कहाँ अच्छा काम करेंगे। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि अभी लोगों को कार्ड तो फ्री में दो, अभी आइडिया भी दे दो। तो फिर मैंने चालू किया कि एवरी मंथ एक कम्युनिटी को पकड़ता था कि आप हम लोग आज इस महीने को हम लोग इनको स्माइल कराएंगे। जैसे कि पहली बार हम लोग ने सोचा कि हम लोग पुलिस मैन को स्माइल कराते हैं। अच्छा। जो ट्रैफिक पुलिस है। हाँ। धूप में सोचो, बिना एसी के हम लोग अगर बैठे ऐसे और इतनी गर्मी, और वो लोग धूप में पूरा डम होते, उनको आप पानी का बॉटल दे दो, या उनको आप चॉकलेट दे दो, या उनको एक आइसक्रीम खरीद के दे दो। आप घर पर जो कूरियर वाला आता है, पहले तो पोस्टमैन आता था, पोस्टमैन दिखते नहीं, अभी कुरियर वाले आते हैं और फास्ट फूड वाले आते हैं, उनको आप चॉकलेट देते हो, टिप तो आप दे ही रहे हो, ठीक है वो तो उसके पॉकेट में जा रहे हैं, पर अगर आप चॉकलेट, मैंने बहुत बार ऐसा होता है जब कोई देने आता है हम लोग उसको चॉकलेट देते ना, पॉकेट में रखते हो, मतलब क्यों, अरे घर पर जाके बच्चे को दूंगा। तो मतलब ऐसे लोगों की सोच, मतलब ये भी अपने लिए इंस्पिरेशन है कि ये लड़का अपने बच्चे के बारे में सोच, मतलब ये जो आदमी अपने बच्चे के बारे में सोच, मतलब ये सब इंस्पिरेशन है। जब भी आप हेल्प भी करते हो ना, यू गेट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, सो मच टू डू। तो आप दिन का एक कार्ड जरूर कोशिश करते हैं कि एक, एक तो कार्ड नहीं तो फिर एक लोग को स्माइल तो पक्का करना, कभी कभी नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू कैन यूज द कार्ड, बट स्माइल तो पक्का हो जाए। अच्छा, कभी कोई कार्ड घूमकर आपके पास आया है? कार्ड नहीं आया, पर यस बहुत सारे ब्लेसिंग्स आती, बहुत सारी अलग अलग तरीके से लोगों की दुआएं मिलती। और एक आपको बताता हूँ, मैं एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग, मैं वाराणसी जा रहा था लेक्चर के लिए, रात की फ्लाइट थी, एंड जो एयरलाइन है वो एयरलाइन में है ना, वो लोग पायलट अपना नाम बोलते हैं कैप्टन, एंड जितने स्टाफ हैं उनका भी नाम बोलता हूँ। तो जब मैं एंटर हुआ था तो मैंने वो एयरहोस्टेस का नाम पढ़ा, पर ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ PU पढ़ा। फिर बाद में जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो उसका नाम नहीं लिया गया, तो मैंने ध्यान में गया, तो जब भी वो पास हुई वहाँ से तो मैंने उसको पूछा कि आपका नाम कैप्टन ने अनाउंस नहीं किया। तो शी वॉज शॉक के कोई पैसेंजर ऐसे सोचता भी है और नोटिस कर रहा है, मुझे बता भी रहा है। तो शायद और फिर टेक ऑफ होना था, वो पीछे चले गए। 15-20 मिनट के बाद आई, सर यू आर राइट, आई चेक विथ माई कलीग्स, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया था। बोला आई मीन दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग कि कोई पैसेंजर हमारे बारे में ऐसे सोचता है। आधे घंटे बाद, रात की फ्लाइट थी, अब और 1.5 घंटे का कुछ फ्लाइट था, आधे घंटे बाद उसका घर का खाना लेकर आई, ये मेरी सास का फेवरेट सब्जी है और ये रोटी है, घर का खाना, उसका जो उसका खाना था,
और मेरे साथ शेयर किया उसने कि सर ये आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे बारे में सोचा तो ये आपके लिए बनता है। एंड उसके ऊपर लिखा भी सुपर कूल कस्टमर के सुपर कूल पैसेंजर करके उसके डब्बे में ला के मुझे खाना दिया। एंड इट वॉज एक्चुअली यमी सब्जी था वो। बाकी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, बड़े लोग कहते थे कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। तो मुझे लगता है आई एम श्योर आप ये जो सिखा रहे हैं सबको और खुद भी कर रहे हैं तो अच्छे फल भी मिलते होंगे बहुत। लेकिन ऋषभ एक बात बताइए, जैसे हमने कहा कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया भर में, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज़ हर अच्छी चीज़ पर भी डाउट करना चाहते हैं, एक नेगेटिव होते हैं ना, तो वो भी तो मिलते होंगे आपको वो कोई एक्सपीरियंस होते ना। ऐसे जो लोग होते हैं उनका क्या उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, वो लोग मे बी वो सराउंडिंग में ही बॉर्न हुए जहाँ पे उनको सिर्फ शकी करना है या उन्होंने अच्छा ही देखी नहीं है। उसकी स्टोरी में बताता हूँ मैं। एक यूएस से एक आदमी मेरे साथ चैट करने लगा एंड दिस वाज स्टार्टिंग में 2-3 साल हुआ था। तो वो मुझे बोल रहा है कि नहीं आपका इसमें हिडन एजेंडा है, आप कुछ पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहते, हाँ पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या इसमें आप पैसे बना रहे हैं। मैं बोला देखो मेरा वेबसाइट देख लो, मेरा सोशल मीडिया पेज देख लो, कहीं भी कोई ना कोई ऐड है ना कोई इनकम है कुछ नहीं है। मतलब नहीं मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बोला ठीक है 1 महीना देता हूँ, आप प्रूव करके दीजिए कि अगर इसमें अगर मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है विदाउट बिसाइड्स ब्लेसिंग्स तो मैं बंद कर दूंगा। 1.5 महीने के बाद उसका ईमेल आया लंबा सा कि यू आर राइट, मैं आपकी उसमें कुछ भी ढूंढ नहीं सका एंड कीप डूइंग दिस वर्क एंड सेंड मी द कार्ड्स। हाउ स्वीट। तो मतलब ऐसा भी होता है कि भाई होते अभी उसका काम ही ऐसा था कि कोई आदमी बिना मतलब का कुछ करता ही नहीं है, पर हमेशा मतलब पैसा नहीं होता, कभी कभी ऊपर वाला ऐसी कभी क्या होता है ना एक बैंक बैलेंस वहां भी करना पड़ता है दुआओं का, वो वहां पे शायद वो कम होगी मेरी बैलेंस इसलिए मुझे जमा करनी होगी। एक और चीज आपने चलिए अपने जैसे लोगों के लिए कर दिया और आपने उनको कार्ड दे दिया किसी की आपने मदद की, लेकिन आपने कभी किसी गरीब की मदद की, कोई रिक्शे वाला जा रहा है, कोई सब्जी वाला है, कोई है, अब उसको आप कार्ड दे पाएंगे? क्योंकि ये लगेगा कि अब ये भी क्या ये कार्ड पास ऑन कर पाएगा, ये तो अपनी ज़िंदगी की इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, तो क्या उनको भी आप देते हैं आप कार्ड इरिस्पेक्टिव कि कौन है क्या है? उनको भी देता हूँ क्योंकि एवरी वन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग अ काइंड वर्क। ऐसे कितनी स्टोरीज है कि ऐसा नहीं कि मतलब इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक आदमी है। मैं आप मानोगे नहीं, मैं जब कोविड के टाइम पे रास्ते पे जाता था, लोगों से सीनियर सिटीजन से बात करता था जो रास्ते पे कुछ ना कुछ बेच रहे, मैं सुबह सुबह जाता था। आप मानोगे नहीं उस टाइम उन लोगों का नाश्ते का टाइम था, कंप्लीट स्ट्रेंजर वो अगर नाश्ते कर रहे होंगे तो वो सर आधा इडली खाएं आप मेरे साथ, मतलब जिसके पास 5 रुपया भी नहीं अगर वो 2.5 रुपया भी उतना उसमें से शेयर कर रहा है तो उसमें वो दिल की बात है। बाकी 500 करोड़ हो तो भी नहीं करता हो और 10 रुपया हो वो भी कर सकता है तो वो दिल की बात है। ये आदमी आदमी के डिपेंड होता है कि ऐसा नहीं है। अच्छा आप इसी सब पॉजिटिव लिविंग पर किताबें भी लिखते हैं, एक तो योर टर्न नाउ पर भी, ये किताबों के बारे में थोड़ा बताइए। तो अभी जैसे ही मैंने बोला कि मेरा टारगेट है 7.2 मिलियन को पहुँचना, अभी 8 बिलियन हो गए, तो मैंने सोचा कि कम से कम 100 बिलियन कार्ड चाहिए होंगे, यानी 100 करोड़ चाहिए अगर 1 रुपये कार्ड हो तो। अभी इतने तो है नहीं, अभी तो आया नहीं अब तक, इतनी ब्लेसिंग्स आ गई पर इतना वो नहीं आया। तो फिर ये था कि मेरे पास स्टोरीज बहुत आती है, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये स्टोरीज की बुक बनाऊं, जो भी रॉयल्टी में आई कैन यूज़ इट फॉर चैरिटी। सो दैट वॉज द रीज़न के वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये बुक का की पैदाइश इसके वजह से हुई क्योंकि ताकि मैं और लोगों को पहुँचू वाला हूँ। तो तभी ये 2013 में फर्स्ट बुक आई। अच्छा 13 में आई, 2013 में तभी इसको बेस्ट। इसमें ये रियल स्टोरीज हैं कि जिसने कैसे कार्ड आपके इस्तेमाल किए, आइदर किसी को कार्ड दिया है या जिसने कार्ड मिला है वो स्टोरी भेजा, और सब रियल स्टोरी और इतनी सिंपल सिंपल स्टोरी, मतलब कोई भी स्टोरी पढ़ेगा आप ये तो मैं भी कर सकती हूँ। इतनी सिंपल स्टोरी एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे भी नहीं कि एकदम हाई फाई, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ, हर एक स्टोरी आप 1 पेज की 2 पेज की स्टोरी है, मतलब फटाक से खत्म हो जाती है वो, और आपको ये तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये 2013 में आई, फिर 2016 में आई, तो इसको भी बेस्ट बुक क्रॉसवर्ड के बेस्ट बुक दिया, अमेजोन ने बेस्ट बुक दिया। फिर जस्ट बिफोर कोविड 2020 में एक सर्वे आया था जहाँ पे वर्ल्ड वाइड देयर वर 8 बुक्स विच वर चोजन जो आपको पीस और काइंडनेस सिखाता है, उसमें से एक बुक ये वाली थी। पूरे वर्ल्ड में बाकी सब इंग्लिश ऑथर्स थे और वहाँ की लोग वहाँ की स्टोरी था, अमेरिकन और यूके की बुक्स थे, इंडिया की एक ही बुक थी जहाँ पे इफ़ यू वॉन्ट टू टीच अवर चाइल्ड पीस एंड काइंडनेस तो ये एक बुक है जो आप। फिर 2020 में हम लोग कोविड के टाइम पे 3rd बुक रिलीज किया, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गया और ये बहुत ही बड़ा। मुंबई से दिल्ली का सफर आज मैं ये किताब पर पढ़ते पढ़ते पूरा करूँगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होंगे। आप नीचे होकर दिल्ली में कुछ अपना कुछ सामान वामान देना दे तो इतनी मतलब ये स्टोरीज ही इतनी सिंपल टचिंग
पाँच साल के बच्चे की स्टोरी भी है, 80-year-old लेडी की स्टोरी भी है, और हर एक स्टोरी के पीछे आपको समझ में आएगा कैसे ये ब्लू कार्ड घूम रहा है, ये जो योर टर्न नाउ कार्ड है वो कैसे घूम रहा है। कुछ कुछ स्टोरीज तो वो भी हम लोग ने देखी कैसे एक ही जगह पे घूम रही है, पूरी लिंक है। कह रही थी कभी आपने एक मैप बना के समझने की कोशिश की कि आपके कार्ड्स कहां कैसे कैसे है, मेरे पूरे मैप में लिखा है कि कौन से 49 कंट्रीज में कहां कहां घूम रहे हैं। कभी कभी जो कभी कभी स्टोरीज में लिंक मिलता है तुम्हारा, ये स्टोरी ये कहां से यहां गया, ये कार्ड इसके पास था तो उसके इसने शायद दिया रहेगा क्योंकि ये कंट्री में मैंने एक ही आदमी को दिया था, तो कभी कभी वो लिंक भी मिल जाती है। एंड मैं स्टैटिस्टिक्स वाला आदमी हूँ, तो मैं हर एक चीज़ की स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ कि कौन सा कहाँ किधर जा रहा है और कौन कहाँ कैसे इसको फैला रहा है इसको। माई गॉड अमेजिंग, मतलब लेकिन ये काम करते करते ऋषभ आपका अच्छाई पर यकीन और मजबूत हुआ है, ऐसा हुआ आपके साथ? अभी और कोई चीज़ पर यकीन ही नहीं है। लोग मुझे बुलाते हैं टॉक के लिए, बोले किस चीज़ पर टॉक, मुझे काइंडनेस के लिए कुछ आता ही नहीं है, और चीज़ के लिए मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक ही घंटा दो दो घंटा बात, बाकी मैं एकदम इंट्रोवर्ट आदमी हूँ। आप मेरे साथ बैठेंगे तो फिर मैं चुप ही बैठा रहेगा, पार्टी में कोने में जाके बैठ जाता हूँ। लेकिन काइंडनेस की बात हो देन आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन, मतलब इतनी स्टोरीज है मेरे पास, इतनी स्टोरीज है खत्म ही नहीं होती। कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हाथ लगा या लगता है तो उस पर ध्यान नहीं देते? कभी कभी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में मेरी वाइफ मेरे को पूछती थी कि तू जाता है इतनी जगह टॉक देता है, इतनी जगह लेक्चर देता है, कोई लोग कुछ करते भी है क्या, कोई कुछ अच्छा काम करते हो? उसका भी क्वेश्चन जायज़ था, पर तभी नेक्स्ट डे सुबह मुझे ईमेल में आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब ये जो है जो मुझे यू नो एक किक देता है। 14 इयर्स हो गए, कम से कम 750-800 टॉक्स कर दिए होंगे, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सोसाइटी में जाके, कंपनीज में जाके टॉक्स दिए कि एक अच्छा काम करो दिन में, बस सिर्फ एक अच्छा काम करो, कार्ड यूज़ करो नहीं करो बाद में बात है, पर पहले एक अच्छा काम करो तो ऑटोमेटिक, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, पूरी वर्ल्ड में भी ये जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। अच्छा आपने भी वाइफ का जिक्र किया, तो होता क्या है ना ऋषभ, आपके घर में हम बैठे हैं, आपकी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ठीक है आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपकी लाइफ अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी अपने स्टेटस से कभी सेटिस्फाइड होता है। भाई हर कोई एक और बड़ा, इस घर में रह रहा हूं तो मेरे पास एक और बड़ा घर होना चाहिए, एक और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये सपने सबके होते हैं, आपके नहीं होते, तो आपकी फैमिली के होते हैं, आपके बेटे के होंगे। और मैंने कई बार अपने निजी अनुभव से देखा है कि जो लोग बहुत सोशल वर्क करते हैं ना उनकी फैमिली उनसे बहुत दुखी रहती है। सच्ची बात, क्योंकि आप अपने हिस्से का इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम, इतना सारा एफर्ट आप समाज को दे रहे हैं, जो शायद फैमिली कहेगी भाई हमारा हिस्सा था। ये फेस किया कभी आपने कि आपकी फैमिली को लगे यार बहुत हो गया बस करो? नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं लोगों को सिखाता था कि लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरी वाइफ टीचर है स्कूल में, मेरा बेटा भी स्कूल में जाता है, तो वो लोग दोनों जन सुबह 7:30 को निकल जाते हैं, तो मेरा जो सोशल वर्क काम होता है मैं 7:30 से 11 के बीच में करता हूँ सुबह, 11 से 6 काम पे जाता हूँ और 6:30 को घर पे आ जाता हूँ फैमिली मैन। सैटरडे संडे जनरली नो कमिटमेंट, इज मोस्टली फैमिली। कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई टॉक पे जाना पड़ा तो वैसा करूँगा कि जाके वापस आऊँ, अभी जैसे कोई कोई जगह में ऐसे भी हुआ है मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए गया हूँ लेकिन मैंने 8 घंटा ट्रैवल करके मैं आई हैव सीन टू इट कि मैं वापस आ गया हूँ, ताकि संडे में फैमिली के साथ हूँ। और ये सुबह का भी टाइम भी इसके लिए रखा है ताकि ऑफिस के टाइम में भी वहाँ पे भी तो अपना फ़र्ज बनता है, मेरा भाई है जो पूरा बिजनेस संभालता है पर मेरा भी एक फ़र्ज है, तो 11 से 6 आई सी ट्वीट के मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई भी एक सोशल वर्क का काम ना हो, तो दैट मॉर्निंग 7:30 से 11 के बीच में हो जाता है। पैसे कितना खर्च कर रहे हैं वो तो हो जाता है, अभी गिनती करना छोड़ दिया, और वैसे हम क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाना है, यहाँ बच्चे के नाम पर जाएगा, वाइफ के नाम पर जाएगा, यहाँ लोगों के नाम पर चले जाएंगे, इन द एंड वो लोग भी किसी और के लिए छोड़ के जाएंगे। हम तो बिजनेसमैन के मुंह से ना मुझे बातें बड़ी थोड़ी अजीब सी लग रही हैं, क्योंकि नॉर्मली बिजनेसमैन ऐसा कहते नहीं है। नहीं 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 कहते, आपकी हमेशा एक ये रहती है कि भाई और कमा लिया जाए, और कमा ले इसको और कैसे बढ़ाया जाए। नहीं, ऊपर दूसरा बात ये है ना कि आई लिव अ लाइफ ऑफ अ मिनिमलिस्ट, जितना कम हो मेरे पास तो अच्छा है, तो जब जरूरत ही कम हो जाती ना तो फिर जरूरत पैसे की पड़ती नहीं, मतलब फैमिली को कोई शिकायत नहीं आपसे? नहीं, वो लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं, उनको पैसा चाहिए उनको मिल सकता है। लकीली मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा है, तो वो मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह कैरिंग है, कंपैशनेट है, तो वो सोच लेता है और वो भी कम में जीता है। नाइस, आज की पीढ़ी को अगर हम ये अच्छाई और ये लाइफस्टाइल सिखा पाएं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। हेलो, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग हाउ लकी आई एम टू कॉल यू माय फादर, बिकॉज यू ऑलवेज अलाउ मी टू एक्सप्रेस माय सेल्फ एंड लेट मी बिकम अ बेटर एंड बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ। And it's very easy for someone to say their father is their role model, but in my case it's so true because you've always been an inspiration with everything you've done, and the trajectory that I've seen you grow in my 18 years has only inspired me to become the person I am today. Thank you. Wow,
अभी रुला दिया ना आपने मुझे, अभी और रो लीजिए। हाय रुशा, लेट मी जस्ट बिगिन बाय टेलिंग यू आई लव यू लॉट्स। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन टू मी एंड विवान, एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे यू बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे इन योर टर्न नाउ, एंड आई विश ऑल योर विशेज आर फुलफिल्ड। टेक केयर, लव यू लॉट्स। ये तो सेव करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, शो चलेगा तो आप पूरा बार बार देखें। वो बैकबोन है, वो सपोर्ट नहीं होता ना तो हम लोग आगे नहीं जाते। अगर कोई भी, अगर एक भी फैमिली के मेंबर अगर अगेंस्ट हो जाता ना तो आप दिल से काम नहीं कर सकते। एक टेंशन रहता है कि जाऊंगा घर पे वापस, यही सुनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पर यर यू कैन गो फ्रीली एंड यू कैन लिव देयर, यू कैन लिव इन नाउ एंड यू कैन गिव मोर इजीली। जब अंडरस्टैंडिंग घर पे होती ना और वो अंडरस्टैंडिंग ये लोग दोनों में है तभी तो मैं जाके दे सकता हूँ, तो वो वेरी और एक ब्लेसिंग है। अच्छा ऋषभ, एक चीज़ थोड़ा सा कई बार ये लगता है ना, जैसे हमारे हमेशा सिखाया जाता है कि भाई दान भी ऐसे दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन इस कार्ड में अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे हमेशा ये अवेयरनेस रहेगी कि मैं अच्छा कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं, एक क्या कहेंगे उसको, एरोगेंस नहीं कहेंगे, लेकिन एक अवेयरनेस रहेगी। अच्छा मैंने, देखिए मैंने आपका अच्छा किया, अब आप किसी और का कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं लगती है। कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई अच्छा तो बिना सोचे समझे करना चाहिए ना। इसलिए देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो जैसे आपने बोला एक हाथ दे रहा है दूसरे हाथ को, दूसरे वैसे गीता में लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर। मैं तो क्या बोलता हूँ, कर्म कर कार्ड दे फल की चिंता मत कर। इसमें लिखा हुआ है इट्स अ नेमलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब आपने कर दिया, आप सिर्फ उसे एक प्रोत्साहन दे रहे, एक इंस्पिरेशन दे रहे कि आप कर सकते हो। आप उसको फोर्स नहीं करके मैं दिया अभी आपको कुछ करना ही पड़ेगा, यू आर जस्ट टेलिंग दैट पर्सन कि आपके पास चांस है, आप करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं। उसकी भी एक स्टोरी बताओ आपको। मुझे एक आदमी का फ़ोन आया, बॉम्बे से ही फ़ोन था, एंड टिपिकल टपोरी लैंग्वेज में बात करने वाला था, मतलब भाई भाई टाइप्स होते हैं ना वैसे रस्ते में। एंड उसका फ़ोन आया कि ये कार्ड मिला है मुझे, क्या करने का इसका। तो मैं बोला मतलब अबे नंबर मेरा है तो फ़ोन मैंने उठाया। बोला आपने कार्ड दिया मेरे को क्या करना है। बोला मतलब किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया। बोला हम लोग का वो टायर पंचर हो गया था हाईवे पे और किसी ने हेल्प किया, उसका टायर दिया हमको, स्टेपनी दिया और उसने ये कार्ड दिया। तो मतलब आपको किसी और को अच्छा काम करना है, मतलब इसका भी आपको चांस मिला तो आप दे देना किसी और को टायर या कुछ और भी। बोलते नहीं मेरा काम तो वसूली का है। ओह माय गॉड, हाँ मेरा काम वसूली का है। तो अभी एंड द वे ही वाज टॉकिंग, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बीच में गालियाँ भी आ रही थी। तो मैं बोला तो फिर एक काम करो, नेक्स्ट टाइम चांस मिले तो कम वसूली करना। मैं उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सका क्योंकि अभी मैं जानता नहीं और पता नहीं कौन है सामने, तो और क्योंकि थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूँ तो मैं उसको बोलता चांस मिले तो नेक्स्ट टाइम कम वसूली करना, वरना जाने देना कार्ड, और कुछ बोल नहीं सकता मैं। बेसिकली फंडा है उसका ये है कि आपको किसी को अच्छा काम करना है, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू कॉल एवर। फिर उसका आया 2-3 महीने बाद फ़ोन कि वो कार्ड यूज़ कर दिया मैं। ओह माय गॉड, मैं बोला अच्छा क्या किया आपने। तो बोला कि किसको धोने का था तो जाने दिया उसको, नहीं किया हम लोग ने, मेरे आदमी लोग को बोला छोड़ जाने दे। तो मैं बोला सर क्यों, आप बोले थे ना कि आप नहीं करते अच्छा काम, क्योंकि आप टोल्ड मी कि हमें ना हम लोग ऐसे कम्युनिटी में पैदा हुए, मतलब सराउंडिंग ही हम लोग का ऐसा है कि हम लोग ने बचपन से सिर्फ मारामारी देखी है। कभी कोई 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 है तो है। मतलब फिर अभी क्यों किया, मतलब बचपन से आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं कि मैं अच्छा काम भी कर सकता हूँ। दिस कार्ड एक्ट्स एज अ रिमाइंडर कि यस यू कैन डू इट, बिकॉज़ समवन नेवर टोल्ड मी दैट आई इवन आई कैन बी गुड। किसी ने मुझे बताया नहीं कि मैं अच्छा भी हो सकता हूँ। चलिए आपको एक मैसेज और सुनवाते हैं। अपनी पहचान एक बिजनेस ग्रुप में हुई थी, लेकिन असली पहचान तब हुई जब तुम एक ट्रेनर थे एक बिजनेस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारे लिए। तब मुझे समझ में आया कि ऋषभ क्या चीज़ है। फिर फ्रेंडशिप हो गई, फिर तुमने योर टर्न नाउ के बारे में बताया और मैंने फिर ऋषभ से कहा कि भाई मैं योर टर्न नाउ में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं ब्रांड बना सकता हूँ तुम्हारा, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ और इस अच्छे कॉज के लिए मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ऋषभ ने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और मुझे खुशी है कि ये मेरे कोलैटरल्स ऋषभ के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर रही है। ऋषभ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल आदमी है लोगों के लिए और ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा देता है कि हम लोगों की मदद करें। और योर टर्न नाउ के लिए और ऋषभ के लिए मेरी बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएँ। उसके अदर सोशल कॉजेज के लिए भी मैं उसको धन्यवाद और शुभेच्छा देना चाहता हूँ।
कितने साल के बाद इसको देखा मैंने, जब मेरे दिमाग में आइडिया आई थी योर टर्न नाउ करने के लिए, तो क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से वो आईटी समझता नहीं, वेबसाइट क्या था वो भी पता नहीं था, तो ये दोस्त था आप, तो मैंने बोला ऐसा है दिमाग में चल रहा है तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अपने डिज़ाइन करना पड़ेगा, कार्ड बनाना पड़ेगा, तो बोलता मैं बना दूंगा। और हम लोग का बिजनेस रिलेशन था, मतलब फ्रेंड था पर एज अ, मैंने उसको वर्क दिया था कैसे करना है, बहुत ऊपर नीचे करके फाइनली जब ये डिज़ाइन करके आया है, इनका डिज़ाइन है, हाँ ये उनका डिज़ाइन है, वेबसाइट भी उन्होंने डिज़ाइन की थी। फिर मैंने उसको बोला कि कितना फ़ीस हुआ, क्योंकि जो लेना था तो लेना ही था, तो बोले कि नहीं तू अभी इतना अच्छा काम करने जा रहा है ना तो मैं तेरे से पैसा नहीं लूँगा, और उसने नहीं लिए पैसे। एक तरह से उन्होंने वो एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, तू इतना अच्छा कर रहा तो मैं क्यों ना इसमें पार्ट बनूं। वैसे मेरा प्रिंटर भी वैसा है, जो कार्ड छाप रहा है वो भी कभी कभी मिनिमम कॉस्ट देते, कभी कभी कुछ नहीं देते, कभी कभी क्या होता है ना वो जो प्रिंटिंग छापते हैं वो लोग तो साइड पे जो पेपर वेस्ट जाता है ना तो वो उसमें छाप देते मेरा, मतलब वैसे मैं तो वैसे फेंकने वाला होता हूँ तो छाप देता हूँ तो ताकि तेरे को भी यूज हो और ऐसे भी होगा, वो वेस्ट में से बेस्ट बना रहे। तो कार्ड में जो काइंडनेस, क्योंकि मेरा जो है वो काइंडनेस टुवर्ड्स नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स की तरफ भी इतना ही काइंडनेस चलता है, मेरा एनवायरमेंट के लिए भी इतना ही चलता है, प्लांटिंग ट्रीज भी इतना होता है, अवॉइडिंग प्लास्टिक होता है, लेकिन जैसे मैं लास्ट ढाई साल से कम मैं प्लास्टिक की बॉटल यूज़ नहीं करता हूँ, एंड आई अवॉइड एवरीथिंग व्हाट इज़ प्लास्टिक, भले वो कभी कभी लगता है कि वो एक बॉटल से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, पर वो एक बॉटल से भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं भी आजकल एक स्टील की बॉटल लेकर, मैं भी मेरा बॉटल लेके घूम रहा, कभी कभी भूल जाता हूँ तो वन बड़ा 8-10 घंटे तक भूखा बिना पानी के बैठा रहना पड़ता है, या किसी घर पर जाके पीले मांग लेता हूँ पानी। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा ना, मैंने कहा आपका अच्छाई पर यकीन बढ़ गया और आपने कहा सिर्फ अच्छाई पर ही यकीन है, एक सवाल मेरे मन में आता है जो मुझे लगता है हम सब जानना चाहेंगे कि हम सबके साथ बुरा भी होता है, आते हैं मिलते हैं लोग ऐसे, कोई धोखा देके चला जाता है, कोई हर्ट करके, कोई चीट करके, बिजनेस में तो चीट इतना होता है। अब आप कह रहे हैं कि आपका सिर्फ अच्छाई पर यकीन है, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? इतने साल में और स्पेशली और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आके इतने साल से एक ही चीज़ है, अगर कोई बुरा हो रहा है अपने साथ तो एक लेसन है, वो कुछ सिखा रहा है हमको, अगर हम लोग वो सीखने के उसमें से लेते ना तो हमारे लिए बहुत ज़िंदगी, जैसे हम स्कूल में जाते कभी मास्टर डांट देते हैं पर वो हमको सिखाने के लिए डांट रहे हैं। तो ये जो बुरे लोग हैं ना जो हमारे लाइफ में है, जो आ रहे हैं या जो बुराई करते हैं, जो और भी आएंगे और जो चले गए, वो कुछ ना कुछ सिखा के गए हमको, उस टाइम पर आप कैसे रिएक्ट करते हो ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पर हाव यू, अभी जैसे किसी ने अगर मेरी गाड़ी ठोकी, किसी ने एक्सीडेंट किया मेरे साथ, उस टाइम पर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो जनरली मुंबई में क्या होता है ना, मैं नीचे उतरूंगा, वो उतरेगा, मारा मारी होगी, मारपीट होगी, कभी कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, अगर मैं जाने देता हूँ तो उस पर क्या डिफरेंस होता है? यहाँ कोई अभी मेरे साथ कुछ बुराई हो रहा है, सब बिजनेस में कोई बुराई कर रहा है, अभी एक आदमी है जो बार बार टॉर्चर कर रहा है, उसको कैसे भी करके चाहिए कि हम हमको नीचे खींचे, तो पहले तो मैं समझना चाहता हूँ कि वो क्यों कर रहा है ऐसे। फिर मेजोरिटी लोग तो जेलसी की वजह से करते हैं, और कुछ लोग फिर मैं सोचता हूँ इसमें इसको क्या सिखाना है मुझे, या मेरा क्या रह गया जो मैं सीख नहीं सक रहा हूँ। क्या है ना कि डिटैच, जैसे ये सब चीज़ से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। डिटैचमेंट क्या होता है ना कि अगर हम लोग उसको दिमाग से भी निकाल सकें, ज़िंदगी से निकालना इजी है, अभी मेरे को आजकल तो बहुत ईजी ब्लॉक कर दिया बराबर, पर दिमाग से अगर आप उसको निकाल सकते हो, अगर वो डिटैच कर सकते हो, तो उसका कोई भी एक्शन आपके ऊपर रिएक्शन कर ही नहीं सकेगा, आपका रिएक्शन ही नहीं देगा, सो इट बिकम्स वेरी सिंपल लाइफ। तो अगर कुछ करता भी है फिर भी उस टाइम पर वापस रुक जाओ कि नहीं ये क्यों कर रहा है और मेरे को क्या रिएक्ट करना। अभी मेरा इतना कॉन्शियस बढ़ गया है कि विद इन अ मिनट मेरा ऐसा हो जाता है कि आई कैन कम टू नो कि माई माइंड हैज़ गॉन इन अ रॉन्ग डायरेक्शन विद इन अ मिनट, मतलब इतना कॉन्शियस बन गया हूँ कि अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं रुक जाता हूँ। मैं पूछने वाली थी आपसे कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस चलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आपको लगता है ये थोड़ा सा ये गलत कर लेंगे, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, कस्टमर के साथ डील करने में या टैक्स में, व्हाटएवर, तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान अब आप रखने लगे हैं कि कॉन्शियसली एक तो चीट नहीं करना है, वो तो ऐसे भी हम लोग करते नहीं, क्योंकि जो दे रहे हैं वो बोल के दीजिए, गलत दे रहे हैं तो वही बोलो कि ये बात गलत हो रही है। जैसे मेरा डायमंड का काम है, अभी आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए, कुछ कस्टमर बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड दो, तो मैं उसको बोलता हूँ इसकी कोई वैल्यू बाद में नहीं होने वाली है, कल अट के आप बोलेंगे कि मुझे इसका बाय बैक दीजिए, तो मैं बोल देता हूँ उनको, ऐसे समझो कि आपने कोई महंगी सी बैग ली जो वापस देने में कुछ नहीं आती, वैसे ले लो। रियल डायमंड में बोलता हूँ हाँ इसकी वैल्यू आएगी, कितनी कम आएगी ये भी बोल दूँगा, और अगर ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा होगी वो भी बोल दूँगा। और मैं कभी कभी तो मैं स्ट्रेट बोल भी देता हूँ इतना परसेंट रख रहा हूँ मैं, एंड वाई नॉट, प्रॉफिट बनाने बैठे ना, अगर कमाएंगे तो दे सकेंगे लोगों को, सही बात है, अगर कमाएंगे नहीं तो देंगे कहाँ पे लोग।
क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके ऋषभ। मुझे यकीन है ऋषभ हमारी बातचीत सुनकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। और मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि चूंकि हमारा जो सीजन 7 है वो ऑलरेडी अब आधा रास्ता कंप्लीट कर चुका है, लेकिन जो बचा हुआ रास्ता है उसमें मैं ये कुछ कार्ड्स ले जा रही हूँ जो अपने सारे गेस्ट को देंगे। अब मैं उन गेस्ट के साथ कुछ अच्छा तो नहीं कर रही होंगी, लेकिन मैं उनको ये कार्ड दूंगी कि वो आगे उसको कंटिन्यू। आप जितनी अच्छाई करती ना, आई मीन मीडिया, जैसे पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मीडिया का जो रोल होता है ना वो एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत आजकल जो खराब होते जा रहे हैं, पर जो अच्छा वाला जो करते हैं, जो उसका फायदा, मतलब उसका फायदा जो दुनिया के लिए करते हैं ना, उसमें से आप ही। थैंक यू सो मच। अब मैं जिसका इंटरव्यू लूंगी उसको मैं बोलूंगी नाउ योर टर्न नाउ। चलते चलते ऋषभ, हमारे सारे व्यूअर्स को, सब लोग जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एक्चुअली तीन मैसेज देना चाहता हूँ कि बी काइंड इट्स योर टर्न नाउ। थैंक यू। हाउ स्वीट। कुछ छोटी छोटी गिफ्ट्स हैं हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि आप हमेशा जिंदगी परीक्षा को याद रखें।